प्रदेश में धान खरीदी को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी दल भाजपा और सत्ताधारी दल कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने की प्रैक्टिस है और यही सीख कर आए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि यदि केंद्र सरकार राशि देती है तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीदते। देखिए, उनका तो झूठ बोलने के प्रैक्टिस से सीख के आए हैं, तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ, हरियाणा और पंजाब में, जो FCI खरीदती है। FCI खरीदे ना, यहाँ पूरा सिस्टम किसका है, मार्केटिंग फेडरेशन किसका है, राज्य का। उसके बाद जिला में DO किसका है, राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है, राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार के, धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है, राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं, यहाँ FCI है। FCI केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार FCI के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो FCI के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा। राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था, और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने, नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए, उस समय इन लोगों बोलता था चावल खरीदी के लिए आप चलिए साथ में, तो नहीं माने। और दूसरी बात, चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदती, राज्य सरकार खरीदती है, राज्य सरकार भी खरीदती है। आखिर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जो ज्यादा किसका है,